अपने हदफ तक तो नहीं पहुंचे लेकिन सफर उस तरफ शुरू कर दिया। उम्मीद उम्मीद जो है ना जी वो आपके प्रोग्राम में ही आप ही के साथ जो है वो पिछले कई प्रोग्राम्स में जो है वो यही बात होती रही है कि भी कपास ख़त्म हो गई, कपास पर बहरान है, तो अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। जैसा कि आपने अपने अपने इंट्रो में कहा है कि अगेती काश्त का जो ट्रेंड है, अच्छा ये हम पिछले 2-3 साल से यही देख रहे हैं कि जो अगेती काश्त है फरवरी एंड और मार्च शुरू में जो होती है वो काफ़ी हद तक कामयाब रही है। बीमारियों का हमला कम हुआ, पैदावार अच्छी आ गई, मौसम की जो शिद्दत थी उससे हमने उसे बचा लिया। क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो कन्वेंशनल काश्त है वो उसके इतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आते जो इसके आते हैं। तो वो किसी ज़माने में होता था जिस तरह आपने कहा है कि जी वो इन दिनों में तो कॉटन जिनरीज का कभी तसव्वुर नहीं था। मैं आपको अपना बताता हूँ, जब वो मैंने मेरा फैमिली बिजनेस है ज्वाइन किया तो वो हम लोग अपनी कॉटन फैक्ट्री की जो रिपेयर्स हैं एनुअल वो 14 अगस्त की छुट्टी गुजार कर 15 अगस्त को रिपेयर हम खोलते थे। अच्छा, रिपेयरिंग शुरू करवाते थे। अब सुने हैं कि कुछ 250-300 जिन फैक्ट्रियों चल पड़ी जी। हमारी ये अब 15 जुलाई की हमारी अराइवल रिपोर्ट जो आई है उसमें 298 जिन फैक्ट्रियां चल गई, 300 फैक्ट्रियां जो है आपके और मेरे मतलब 15 दिन से लेकर अब तक आप समझे कि 15-20 और भी चल गई होगी, इजाफा होगी, 300 के लगभग जो है वो जिन फैक्ट्रियां चल गई हैं। तो ये वो भी जहनी तौर पर तैयार थे या अचानक ही जो है ना ये आनी शुरू हुई फूटी और फिर उसके बाद जो है भाग दौड़ की? हमारा जीनिंग फैक्ट्री वालों का तो वो हाल है कि वो जब वो रेस में रेडी पोजीशन में होते हैं ना तो फायर के बाद दौड़ते हैं। हम तो रेडी पोजीशन में उसी तरह खड़े थे, फायर की ऐसी आवाज आई है बस दौड़ पड़े। अच्छा, चलो ये तो बड़ा खुशाइंद है। अब कि वो जो मसला उभरा था बिनौला का, उस पर टैक्स आ गया और उसकी वजह से काफ़ी सारी बेचैनी सी जीनिंग इंडस्ट्री में पैदा हो गई। अब ऐसे लगता है कि ठहराव आ गया है या अभी बरकरार है? सर वो उसी तरह टैक्स है जी, और हमारी मुसलसल इस वक्त तक हमारी यही कोशिश है कि भाई वो टैक्स ख़त्म कर दिया जाए। मैं थोड़ा उसकी वजाहत भी कर दूं, वो हमारे ऊपर टैक्स है ही नहीं, ठीक है, वो कपास के ऊपर टैक्स है, ठीक है ना जी। वो आप उसके में से जब बिनौला निकालते हैं और वो 18% उसके ऊपर GST है तो ज़ाहिर है वो फिर उसकी कॉस्ट उतनी कम हो जानी है। तो हम रिवाइवल ऑफ इकॉनमी, रिवाइवल ऑफ कॉटन की वजह से हम चाहते हैं कि वो टैक्स ख़त्म हो जाए। वो हमने उसको बिल्कुल इसी तरह लिया हुआ जिस तरह कोई हमारी अपनी जेब से जा रहा हो, क्योंकि हम समझते हैं कि ये इकॉनमी के ऊपर बोझ है। मतलब आप काश्तकार की जंग लड़ रहे हैं? काश्तकार की जंग लड़ रहे हैं, इकॉनमी की भी साथ जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि जितनी जिस चीज़ पर टैक्सेशन ज़्यादा मल्टीप्लाई होती जाएगी ना उसमें लोगों की हेरा फेरी के चांसेस ज़्यादा निकल आते हैं। हमारा सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह में बड़े मतलब फ़ख्र से इस बात का मतलब करूँगा इजहार कि डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है हमारा सारा। अच्छा, और हमारी मतलब वाजे वास्ट मेजोरिटी जो मेम्बर्स की है हम मतलब है कि टैक्स पेयर लोग हैं और बिल्कुल सही टैक्स देते हैं। लेकिन जब आप वो इस कदर ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा कर देते हैं टैक्स पर टैक्स लगते हैं तो उसमें से फिर लोगों को ना वो एक रास्ता निकल आता है कि यार हम गोल काम कर लें तो इसमें हमें जो है ना वो शॉर्टकट मारने के चक्कर में हो जाते हैं। एज एसोसिएशन या एज ए मेम्बर तमाम जो है ना हम चाहते हैं कि टैक्सेशन कम हो और जो टैक्स है वो रेवेन्यू जो है वो हुकूमत का बढ़े। वो हमारी आज भी कोशिश है और हम अल्लाह के घर से, क्योंकि वो बड़ा जेन्युइन हमारा इशू है और हम वो बड़ी हद तक कामयाब हुए हैं। फेडरल कैबिनेट को हमने ये समझाया और वो लोग समझे, लेकिन उनकी अपनी IMF की मजबूरियां थी, हम समझते हैं लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाए। अगर नहीं भी होता